समय केसेज बढ़ रहे हैं कोरोना के, क्या 10वीं 12वीं परीक्षा होंगे और किस तरह से जाए, किस तरह के इंतजाम किए गए? नहीं, उसके लिए हम पूरी तरह से जो है वो सोच विचार कर रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन 10वीं 12वीं के एग्जामिनेशन के लिए मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये बोर्ड की एग्जामिनेशन है, और जैसे आपको पता है कि चाहे वो SSC हो, CBSE हो, ये विभाग के माध्यम से भी वो परीक्षा होने का जो है वो प्रावधान ऑलरेडी हो चुका है। तो हमें कोई भी निर्णय करते वक्त, बिल्कुल आपका कहना सही है कि कोरोना की परिस्थिति क्या होगी, तो हम उसको भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोरोना की परिस्थिति अगर क्या होती है तो उस हिसाब से क्या निर्णय लेना है। लेकिन आज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि 10वीं और 12वीं के एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल हमने डिक्लेयर किया है, उसी टाइम टेबल पे एग्जामिनेशन आज के तारीख में है, और ऑफलाइन के माध्यम से ही एग्जामिनेशन हो सकती है, क्योंकि पेपर हम डिफरेंट डिफरेंट नहीं बना सकते, हम यूनिफॉर्मली एक पेपर बनता है, और हमारा पेपर और हमारा सिलेबस जो है और हमारा पेपर का जो इवैल्यूएशन होता है उसका पूरा पैटर्न जो है हमारा नवंबर में ही तय होता है, फिर उसको प्रिंट करके हमको सब कुछ तैयार करना पड़ता है, और 1.5 से 2 महीना हमको पेपर गांव खेड़े तक पहुंचाने को लग जाता है। तो इसीलिए हमको हर चीज सोच समझ के प्लानिंग करके ही करनी होगी।